हेलो एवरीवन, सो आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें दो पार्ट है, एक पोटेंशियल और एक कैपेसिटेंस, राइट। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब होता है चार्ज, पोटेंशियल उसके अंदर एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, एबिलिटी। हर चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज है, चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपका घर है, वो आपकी फील्ड है। अब घर में अलग 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 तरीके के अनेक रूम भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि आपने ये लोबी, ये स्टोर रूम, मतलब सेफ हेस्ट एरिया, तो उसका क्या है, पोटेंशियल है। पर गेट है, कम पोटेंशियल है। अंदर जाओगे जहां पर बिल्कुल सेफ हेस्ट एरिया है, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी, क्षमता उसकी, राइट। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल। बाहर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, राइट। अब बात आती है, ये आप, ये कोई भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके घर की बाउंड्री, बाउंड्री पे ये गेट है, ये किचन है, स्टोर रूम है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे सेफ है, स्ट्रॉन्ग है, जो अंदर वाला पार्ट वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बाहर गेट पे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अंदर जाने में बहुत जोर लगेगा। इसका मतलब वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है। तो पहली बात तो पोटेंशियल किसके अंदर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहां पर। अब डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, ये कोई फील्ड है, फील्ड में कोई पॉइंट है ए, और मुझे ए पे निकालना है पोटेंशियल क्या होता है। अब सिंपल सी बात ध्यान से समझो, मेरे पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, वो बाहर था इंफिनिटी, क्योंकि फील्ड से बाहर का जो पॉइंट है वो इंफिनिटी कहलाता है, और वहां पर वी इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। अब सीधी सी बात ध्यान से समझना, अब जैसे इस चार्ज को मैं यहां पर लेके गया, इसके अंदर इंफिनिटी से एंट्री करवाया मैंने, गेट के अंदर, फील्ड के अंदर, हर फील्ड, हर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या लगाती है, फोर्स। जैसे फील्ड में आ तो इस चार्ज पे इसने क्या लगाना शुरू कर दिया, फोर्स, बिल्कुल कल। लेकिन ये इसको धकेल रही है, आपके घर में कोई आता जबरदस्ती तो आप गेट पे आप एंट्री करते तो आप उसको बाहर करोगे, लेकिन वो फोर्स लगाएगा अंदर, ज्यादा स्ट्रोंग है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम है तो कम। अब ये फील्ड पे डिपेंड करता, फील्ड कैसी है, स्ट्रोंग है या वीक है। अब ये चार्ज यहां पर इसको, अब इस फोर्स ने इसको रिपेल किया, लेकिन हमने क्या किया, इसको जबरदस्ती इसके अंगेंस्ट यहां तक फोर्स लगा और इसको डिस्प्लेस करके ले गए, कोई चार्ज है फील्ड के अंदर आया। अब जैसे ये चार्ज फील्ड के अंदर आया तो फील्ड ने क्या लगा, इस पे फोर्स, इसको रिपेल किया, बट हम इसको किसके अंदर लेके, उल्टा ए पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड। कोई मतलब ये फील्ड, फील्ड ने चार्ज को, जैसे सपोज करो यहां पर है, इस चार्ज को क्या किया, रिपेल, इधर धक्का दिया, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती लेके आ रहा हूं, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स, और मैंने क्या कवर की, डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने क्या किया, वर्क डन। अगर ज्यादा स्ट्रोंग है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो रियलिटी जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, पोटेंशियल क्या, स्ट्रोंग, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो ये पहली बात, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो मैं ए पे लेके गया इंफिनिटी से, तो यहां पर तो था वी इंफिनिटी और यहां पर पोटेंशियल था वी ए, तो यहां पर इसका मतलब वी ए माइनस वी इंफिनिटी
तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। तो V इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, तो खाली A का निकल गया W अपॉन क्यू नोट, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और इंफिनिटी से मतलब फील्ड के अंदर एंट्री करवाई, ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, ज्यादा फोर्स लगा तो मैं ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, तो ये होता है पोटेंशियल, राइट। और कई बार आता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होता है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बस फर्क क्या होता है, इसमें फर्क होता है। एक बात देखो, अगर बाय द वे सेम चीज है, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, यहां पर यूज करेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे अब ये चार्ज था यहां पर ए पॉइंट पे, और फिर ए से बी तक लेके गए, यहां पर पोटेंशियल बी था, अब ए से बी पे लेके गए तो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ ना, यहां पर इंफिनिटी से लेके गए इंफिनिटी का डिफरेंस, बट वो इंफिनिटी में जीरो होता है, लेकिन यहां पर तो अलग अलग था, यहां टेन या फिफ्टीन, तो कितने का डिफरेंस आया, फाइव का, तो वहां पर लिखेंगे वी बी माइनस वी ए क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट होगा भाई, चाहे ये पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ए से इंफिनिटी, इंफिनिटी से ए, ये ए से बी, वो उसके अंदर वो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, लेकिन इसका जीरो था तो ए की वैल्यू निकल गई। यहां दोनों का यहां सपोज करो फाइव वोल्ट है, यहां टेन फिफ्टीन वोल्ट है, तो कितना आया, टेन वोल्ट। ये होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कितना वर्क डन यहां से यहां ले जाने पर, ऑलरेडी यहां पर वर्क डन फोर्स लगा हुआ है, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, राइट। एसआई यूनिट क्या होगी, डिनोटेड वी से जनरली डिनोट करते हैं, वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्वल होगा, वर्क डन क्या है, जूल, और चार्ज क्या है, कूलम, तो जूल पर कूलम, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये तो जनरल फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब इसका हम टॉपिक निकालेंगे आगे, इसका जनरली फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब कोई चार्ज है, चार्ज की फील्ड होती है, क्या करेंगे, वर्क डन कहां से लेके आएंगे, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मेरे पास एक चार्ज है Q, P पॉइंट, इसका पोटेंशियल निकालना है, और ये P पॉइंट है R डिस्टेंस पे, बिल्कुल सिंपल सी बात, तो मुझे इंफिनिटी से कोई चार्ज लेके आना है Q नोट, किस पॉइंट पे, P पॉइंट, वही तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक लेके आना है P पॉइंट। लेकिन इनफिनिटी से मैं सीधी कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूं, नहीं, तो जब भी इनफिनिटी से हम कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, इनफिनिटी की बात हो, तो एडिशन करने के लिए या सोल्व करने के लिए मैं किसकी जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन। चल हम चार्ज को लेके आ रहे थे रास्ते में, इस इनफिनिटी से आगे इसकी क्या स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज यहां पर आ गया ए पॉइंट पे क्यू नोट, और ए पॉइंट यहां से किस डिस्टेंस पे था, एक्स पे, तो इस चार्ज ने इस चार्ज पे क्या लगा दिया, फोर्स, तो डेफिनेटली इधर फोर्स लग गया, राइट। तो वहन
टेस्ट चार्ज इज एट ए, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगा, 1/4 pi epsilon naught Q Q naught by R square. सिंपल सी बात, कूलम्ब लॉ है, R कितना है x, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. R क्या है x, राइट. अब हमने क्या किया, B पर लेके आए और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है dx. ये इसको रिपेल कर, हम अंगेस्ट लेके आए, हमने स्मॉल वर्क डन किया ना, अंगेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रिपेल कर रहा, मैं इसको इधर ए से बी तक लेके गया, तो मैंने क्या किया, वर्क डन, अंगेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेट स्मॉल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज From A to B through a displacement dx against electrostatic force. बिल्कुल इसके अंगेस्ट लेके, अगर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स नेगेटिव, ये तो कोस 180 दिखा दो, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता, अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए हम, राइट. अब यहां पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, एफ की वैल्यू क्या है 1/4 pi epsilon naught Q Q naught, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, बाद में क्या है डी एक्स, राइट. अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. जब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करोगे, dw का क्या आएगा, w माइनस 1/4 pi epsilon naught Q Q naught, बाहर अंदर क्या बच गया 1/x square, क्योंकि x का ही इंटीग्रेशन करना, लेकिन इंफिनिटी था जिसके लिए मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ा, लिमिट लगाओ इंफिनिटी से किस डिस्टेंस तक लेके आए, p पॉइंट तक, तो इंफिनिटी से p पॉइंट किस डिस्टेंस पे है, r पे, बिल्कुल इंफिनिटी से r तक लेके आए, वर्क डन माइनस 1/4 pi epsilon naught Q Q naught, क्या बन जाएगा ऊपर जाके x^-2 dx इन्फिनिटी टू आर. अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, -1/4 pi epsilon naught Q Q naught, x^-2 है, एक पावर ऐड करो -2+1 और नीचे सेम पावर -2+1, राइट, लिमिट इन्फिनिटी टू आर. तो वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 pi epsilon naught Q Q naught, ये बन गया x^-1, नीचे -1 इंफिनिटी टू r, माइनस से कैंसिल कर दिया माइनस. तो उसके बाद वर्क डन का जो फॉर्मूला बना 1/4 pi epsilon naught Q Q naught, अच्छा x^-1 है, क्या लिख सकते हैं 1/x, लिमिट इन्फिनिटी टू आर, और लिमिट पुट करने का मेथड क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 pi epsilon naught Q Q naught, 1/r-1/∞, एक बार तो x की जगह r और एक बार x की जगह इन्फिनिटी. तो वर्क डन आ गया 1/4 pi epsilon naught Q Q naught, 1/r 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क डन बन गया 1/4 pi epsilon naught Q Q naught by R, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन की वैल्यू 4 pi epsilon naught Q Q naught by R, किससे डिवाइड कर दोगे Q naught से, Q naught कैंसल,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। और यहां पर वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आर का, राइट। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, पता आपको V वर्सेस R इनवर्सली का ग्राफ ऐसे बनता है, राइट। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, K क्यू बाय R या 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेके जाना है। तो ये पोटेंशियल, हाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थैंक यू।